大河向东流啊，天上的星星看北斗啊，嘿嘿看北斗啊，孙孙孙要一碗酒啊，说走咱就走啊，你有我有全都有啊，嘿嘿全都有啊，水里火里不回头啊，路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊，该出手时就出手啊，出手时就出手啊，风风火火闯九州啊，嘿嘿嘿呦嘿嘿嘿嘿嘿呦嘿嘿。大河向东流啊，天上的星星参北斗啊，嘿嘿参北斗啊，不分贵贱你我。大河向东流啊，天上的星星参北斗啊，你有我有全都有啊，嘿嘿全都有啊，水里火里不回头啊，路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊，哎呀一二呀，出手时就出手啊，风风火火闯九州啊，嘿嘿嘿呦嘿嘿嘿嘿嘿呦嘿嘿。大河向东流啊，天上的星星参北斗啊，嘿嘿参北斗啊，不分贵贱你我。大河向东流啊，天上的星星参北斗啊，你有我有全都有啊，嘿嘿全都有啊，水里火里不回头啊，路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊，哎呀一二呀，出手时就出手啊，风风火火闯九州啊，嘿嘿呦嘿嘿嘿嘿呦嘿嘿。大河向Thank you.
This newly released airport surveillance video clearly shows someone emerging from the rear of the plane. Authorities say it's the 15-year-old California stowaway coming out of the wheel well of the Boeing 767 that landed in Hawaii. Moments later, it appears the young man is dazed as he walks on the tarmac. You can see he's... देख रहे हैं आज तक आपके साथ हूं मैं नेहा बातंबुल में सबसे पहले बात एक ऐसे हादसे की जो भारत में पहली बार हुआ है। बीती रात मुंबई में प्लेन के इंजन में फंसने से कर्मचारी की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई और इस घटना से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। जिस जगह बेहद सावधानी बरती जाती है वहां आखिर यह हादसा कैसे हुआ? घटना के बाद तुरंत इसकी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी कई सवाल अनसुलझे हैं। देखिए कैसे हुआ यह हादसा। हवाई जहाज के इंजन में घुसा कर्मचारी, एक सेकंड में हुए हजारों टुकड़े। एयरपोर्ट पर सबसे दर्दनाक हादसा। दिल दहला देने वाला यह हादसा हुआ है मुंबई एयरपोर्ट पर। एक छोटी सी गलती ने एक कर्मचारी की जिंदगी पलक झपकते ही खत्म कर दी। हादसा बुधवार की शाम हुआ। शाम 8:44 पर एयर इंडिया का AI-619 फ्लाइट मुंबई से हैदराबाद की उड़ान भरने की तैयारी हो रही थी। एयर इंडिया का विमान बे में खड़ा था और टेक ऑफ से पहले सभी टेक्नीशियन और इंजीनियर उसकी जांच कर रहे थे। उसी में एक थे रवि सुब्रमण्यम। 54 साल के रवि भी हवाई जहाज के पुर्जों की जाँच में व्यस्त थे। तभी अचानक हवाई जहाज का इंजन चालू हो गया और चंद सेकंड में उसका पंखा 2000 राउंड प्रति मिनट की रफ्तार से घूमने लगा। यानी एक सेकंड में 33 राउंड घूम रहा था पंखा। इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाते, पंखे ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया और उनका शरीर कुछ इस अंदाज में इंजन के अंदर चला गया। नतीजा, एक सेकंड में उनके शरीर के हजारों टुकड़े। एयर इंडिया जो फ्लाइट था मुंबई हैदराबाद जा रहा था 619, उसमें जब डिपार्चर होने के समय जो उसको पुशबैक किया गया, पुशबैक होने के बाद में जब पुशबैक निकाला जाता है उसी समय जो कर्मचारी पुशबैक निकालने के लिए गया तो उसको खींचा गया, इंजन ने रेस करने की वजह से खींचा गया तो उसकी मृत्यु हो गई है। सवाल उठता है कि आखिर ये गलती हुई कैसे? इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? स्टार्ट कर दिया और हादसा हो गया। वहीं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कहा है कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दुखद है, परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और परिवार के लिए जो भी मदद हमारे मंत्रालय की तरफ से होगी वह उचित समय पर की जाएगी। प्रशिक्षित ग्राउंड स्टाफ का इस तरह इंजन की चपेट में आ जाना सुरक्षा इंतजाम पर कई सवाल खड़े करता है। इंजन के करीब जाने को लेकर पूरी गाइडलाइन होती है, इसके बावजूद कर्मचारी कैसे इंजन की चपेट में आया और आखिर वहां मौजूद दूसरे स्टाफ ने उसे चेताया या रोका क्यों नहीं? इन सवालों के जवाब ग्राउंड मैनेजर की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही साफ होंगे। वीरेंद्र गुनावत के साथ एजाज खान, मुंबई आज तक। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए, लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और उसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now Sony smartphones, I really like them, you know, because they have their own design. An active flight deck is filled with danger. Jet blasts. Fast spinning props and rotors. And engines that can suck you in before you can blink. These jobs demand strength and nerves of steel. In 1991, a sailor was hooking an A6 intruder to one of the carrier's catapults. He walked in front of the jet's air intakes and got sucked inside. Miraculously, the sailor got stuck before he could be killed by the engine's spinning blades. He escaped with minimal injuries. Don't
working anywhere on the flight deck can be dangerous. In 1989, a T-2 Buckeye pilot misjudged a landing. Killing himself and four other sailors. 17 more were seriously injured. In just 12 seconds, the crash and salvage team had water on the fire. Within 2 minutes, the blaze was under control.